सो गाइस स्नैपड्रैगन 870 के साथ आने वाले दो तगड़े दावेदार आज हमारे पास आ चुके हैं। एक साइड में है रियलमी GT Neo 2 3T, समझ रहे हो ना, और एक साइड में हमें मिल जाता है Mi 11X। दोनों में जो है अलग अलग UI मिलती है और दोनों काफी तगड़े कॉम्पिटिटर हैं एक दूसरे के। लेकिन अगर हम बात करें किसका UI ज्यादा रिफाइंड है, इस वीडियो से आपको वो चीजें सारी पता चलेगी। हम जो है प्रैक्टिकल लाइफ से लेके सारे टेस्ट यहाँ पर करने वाले हैं जितने होते हैं पॉसिबल। तो मेक श्योर करना कि वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि आपके सारे डाउट्स इस वीडियो के आखिर तक क्लियर हो जाएंगे। और अगर तुम चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मैं नहीं जानता, इतना प्यार तो वीडियो बनाने के लिए बनता है ना। उससे पहले आगे बढ़े आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, यहाँ पर जो Realme GT Neo 3T है हमारे पास, इसमें 6GB रैम है और Mi 11X उसमें 8GB रैम है। एंड ये टेस्ट यहाँ पर प्योरली इंफॉर्मेशन के पर्पस के लिए है, कोई भी इसको ज्यादा गंभीरता से नहीं लेगा। लेकिन आपको एक यूजर एक्सपीरियंस में अपना पर्सनल लास्ट में दूंगा, सो मेक श्योर करना, क्योंकि यहाँ पर रिजल्ट काफी अनोखे आए हैं 6-8GB होने के बावजूद। सो इसमें पहला राउंड आ जाता है बूटअप टेस्ट। दोनों ही फोन में मैंने रैम टोटली फ्री कर दी है। 3, 2, 1 लेट्स गो। कलाइयों का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए मी लोगो पहले आ चुका है एंड Mi 11X यहां पर बूट हो चुका है। कभी कभी तुक्के में भी सही जवाब लग जाता है, तो दूसरा राउंड करके ये तुक्के का भी जो है हम अंतर पता लगा लेंगे। 1, 2, 3 Mi 11X बूट हो चुका है एंड उसी के कुछ सेकंड बाद यहां पर Realme ने बूट कर दिया है। सो बूट अप टेस्ट में MIUI यहां पर आगे निकल जाता है कुछ अंकों से। अगला टेस्ट आता है यहाँ पर इंटरनेट स्पीड टेस्ट। दोनों को कुछ एक डिस्टेंस पे मिलेगी गया एंड यहाँ पर स्पीड टेस्ट किया सेम स्पॉट से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं Mi 11X ने ज्यादा स्पीड को कैप्चर किया है एंड दोनों को मैंने सेम वाईफाई से कनेक्ट किया था। सो इंटरनेट स्पीड कैप्चर में भी यहाँ पर Mi 11X विजेता बन जाता है। नाउ अब तीसरा राउंड आता है। बहुत सारे लोगों को अच्छे स्कोर्स पसंद है, तो किस में बेटर स्कोर देखने को मिलता है ये पता लगाते हैं बेंचमार्किंग एप्स के थ्रू। एंड टू बेंचमार्क आपको Realme GT Neo 3T में ज्यादा मिल जाते हैं कम रैम होने के बावजूद। बट एक चीज आपने नोटिस की, यहाँ पर इसकी 4% बैटरी गिरी है एंड यहाँ पर 1% गिरी है। Geekbench स्कोर सिंगल स्कोर में ज्यादा बेटर GT Neo 3T में मिलता है एंड मल्टी स्कोर में यहाँ पर काफी आगे निकल जाता है MIUI। वाइल्ड लाइफ टेस्ट की बात करें तो यहाँ पर भी बेटर स्कोर आपको Realme में मिल जाता है देन MIUI। एंड अगर बात करें CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट की, ये हम इंटेंस करते हैं, 120 मिनट का किया था। यहाँ पर मैक्सिमम परफॉर्मेंस गई है MIUI में 2,50,000, यहाँ पर 221 गई है, एवरेज 216 रही है, यहाँ पर 223, मिनिमम 193, यहाँ पर 195। सो MIUI के जो एवरेज परफॉर्मेंस है वो इसके मैक्सिमम परफॉर्मेंस से भी ज्यादा है, बट CPU थ्रॉटल यहाँ पर ज्यादा हुआ है MIUI में। सो बेटर स्कोर हम बोलेंगे यहाँ पर आपको Realme GT Neo 3T में मिल जाते हैं। कंसिस्टेंट ग्राफ आपको मिल रहा है हरा भरा, यहाँ पर जो आप देख सकते हैं बीच में थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन आपको मिल रहा है। प्लस रीड राइट स्पीड भी आपको यहाँ पर GT Neo 3T में ज्यादा बेटर मिल जाती है एंड काफी मार्जिन से ही आगे गया है। So, क्या ये रीड राइट स्पीड एक्चुअली में ज्यादा बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती है, ये तो हमें पता चलेगा ऐप को ओपन करने में, क्योंकि ऐप ही जो है यहाँ पर स्टोरेज में सेव रहते हैं। सो लेट्स फाइंड आउट कौन सा ऐप यहाँ पर पहले खुलता है। दोनों में मैं फ्री कर देता हूँ एंड गेम बूस्टर मैंने दोनों में ही ऑफ कर दिया, ताकि हमें रैम मैनेजमेंट टेस्ट का भी अगले राउंड में पता रहे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं Amazon से। GT Neo 3T में हल्का सा पहले खुला है यूट्यूब, हल्का सा पहले MIUI में खुला था ट्विटर, हल्का सा पहले GT Neo 3T में खुला है क्रोम। दोनों में एक पेज मैंने खोल रखा ऑलरेडी, सो ऑलमोस्ट दोनों में सेम टाइम में खुला है फ्लिपकार्ट, हल्का सा पहले यहां पर GT Neo 3T में खुला है। अब आती है बड़ी बड़ी गेम्स, इसमें असली मार्जिन का पता चलेगा। Apex Legends GT Neo 3T में काफी पहले खुल चुका है। Asphalt 9 GT Neo 3T में अगेन पहले खुल चुका है, कम रैम होने के बावजूद यहां पर Realme GT Neo 3T काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। न्यू स्टेट ऑलमोस्ट सेम टाइम पे खुला है। कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल GT Neo 3T अगेन यहां पर जीत चुका है। अब आता है अपना फेवरेट BGMI और GT Neo 3T ने खोल दिया भाई साहब कितना जल्दी। सो गाइस जो स्टार्टिंग में कहा था कुछ शॉकिंग रिजल्ट मिलेंगे, वो शॉकिंग रिजल्ट आपको इसी राउंड में देखने को मिले। जैसे कि आप सबने देखा
कम रैम होने के बावजूद Realme GT Neo 3T कितना जल्दी यहाँ पर हैवी गेम्स को लोड कर देता है, ये दिखाता है कि यहाँ पर जो है सॉफ्टवेयर के साथ अच्छा खासा ऑप्टिमाइजेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा Realme UI के साथ। बट अभी जो है रैम का असली जो है स्टेटस पता चलेगा, कितने बैकग्राउंड में यहाँ पर जो है एप्स लोडेड है, ये ज्यादा रैम वाले में ही बेटर पॉसिबिलिटी रहती है कि वही जीतेगा। बट लेट्स फाइंड आउट, क्या पता यहाँ पर भी कुछ अलग देखने को मिले। स्टार्ट करते हैं BGMI से, दोनों में खुला है कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल, दोनों में खुला है न्यू स्टेट, दोनों में खुला है वेल एंड गुड असफॉल्ट 9। हाँ, यहाँ पर Realme जो है थोड़ा सा अब जो है स्ट्रगल करना स्टार्ट कर दिया इसमें Apex Legends, बट देखते हैं कहाँ तक। Apex Legends दोनों में खुला है, आश्चर्यचकित। Flipkart यहाँ पर MIUI में खुला था, Chrome यहाँ पर MIUI में खुला था इसमें लोड हुआ, Twitter GT दोनों में खुला है, YouTube MIUI में खुला था इसमें रीलोड हुआ है, Amazon दोनों में ही रीलोड हुआ है। अगर रैम का स्टेटस देखें तो यहाँ पर 1.64 GB फ्री है, यहाँ पर 2.5 GB फ्री है। सो गाइस, इस राउंड में भी Realme GT Neo 3T ने अच्छा परफॉर्म किया है। मेरे को नहीं लग रहा था कि ये दो से ज्यादा या तीन से ज्यादा ऐप खोल पाएगा, लेकिन इसने 5-6 ऐप्स को ओपन रखा है बैकग्राउंड में, जो डेफिनेटली यहाँ पर एक पॉजिटिव साइन जाता है कि 6 GB रैम वाला भी इतने ऐप्स को बैकग्राउंड में यहाँ पर खोल देता है। अब आप सोचोगे टेस्ट खत्म हो जाता है, नहीं दोस्तों, यहाँ पर एक और टेस्ट की बहुत ज्यादा डिमांड आई थी, वीडियो रेंडरिंग टेस्ट। देखते हैं इसमें कौन विजेता बनता है। सो गाइस, दोनों ही फोन में मैंने सेम फाइल को डाल दिया एंड सेम सेटिंग्स पे हम एक्सपोर्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट, सेव एज वीडियो, स्किप, स्टार्ट हो चुका है। सो यहां पर जो है MIUI में कंप्लीट हो चुका है एंड Realme GT Neo 3T भी अब ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। स्टार्टिंग में लग रहा था GT Neo 3T जीत जाएगा क्योंकि आगे चल रहा था, बट लेटर ऑन जो है Mi 11X ने बाजी मार ली और यहाँ पर GT Neo 3T में भी अब कंप्लीट हो चुका है। सो गाइस, वीडियो रेंडरिंग टेस्ट में यहाँ पर MIUI आगे निकल जाता है, ये थोड़ा ज्यादा रैम होने का थोड़ा फायदा यहाँ पर मिल जाता है। नाउ गाइस, अब आता है आखिरी सवाल, किस में आपको ज्यादा बेटर रियल लाइफ एक्सपीरियंस मिलता है। तो मैंने दोनों ही फोन को यहाँ पर यूज करके देख लिया है, काफी ज्यादा गेमिंग भी करी है दोनों में, Mi 11X में तो और ज्यादा करी है। सो Mi 11X में एक दिक्कत ये आती है कि थोड़े टाइम बाद जो है इसमें थोड़ी हीटिंग होना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से गेमिंग में फ्लक्चुएशन होती है, मतलब FPS आपको कॉन्स्टेंट नहीं मिलेंगे। अगर आप कस्टम रोम डालते तो अलग बात है, अभी हम MIUI और Realme MIUI की बात कर रहे हैं, तो यहां पर जो है दोनों में से बेटर अभी इस टाइम पे आपको Realme UI मिल जाती है ऑप्टिमाइजेशन के मामले में एंड इवन लॉन्ग टर्म में परफॉर्मेंस के मामले में। हीटिंग दोनों में ही होती है, लेकिन ज्यादा बेटर आउटपुट उस हीटिंग में भी जो है यहां पर Realme UI में आपको मिल जाता है। एटलीस्ट GT Neo 3T में यहां पर आपको बेटर मिलता है, बाकी Realme डिवाइस का पता नहीं है। बट MIUI एक चीज में आगे जाता है, वो है बैटरी। यहां पर ज्यादा बेटर बैटरी बैकअप आपको MIUI में मिलेगा देन Realme UI। Realme UI में बैटरी ड्रेन बहुत जल्दी हो जाता है, अगर इसका 5% हुआ है Realme का तो वहां पर 2% हुआ होगा, तो इतना डिफरेंस आपको डेफिनेटली इनके सॉफ्टवेयर में देखने को मिलेगा एंड हमेशा से MIUI का बैटरी बैकअप काफी तगड़ा रहा है। तो एट द एंड अगर आपको दोनों में से कौन सा फोन बेटर परफॉर्मेंस देगा, वो Realme GT Neo 3T देगा Snapdragon 870 साथ। सो आप लोग का क्या विचार है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना एंड और कौन सा टेस्ट आपको चाहिए वो भी आप जो है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अपने फीडबैक्स को हमेशा जो है कमेंट सेक्शन में डालते रहिए क्योंकि मैं हर कमेंट को पढ़ता हूं बिल्कुल गंभीरता से। सो गाइस, आई होप सो वीडियो हेल्पफुल रही होगी, वीडियो हेल्पफुल हुई तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं ऐसे किसी न्यू इंटरेस्टिंग धासु फाड़ वीडियो के साथ। टिल देन, जय हिंद, टेक केयर एंड स्टे फिट।